Hello everyone, my name is Mohammed Kashif Khan. I have secured All India Rank 16 in GATE 2019 from Computer Science and Engineering branch. So today, aaj hum log yahan pe to know more about the selection process in IOCL Grade A Officer through GATE. होता क्या है, बहुत सारे बच्चों को डाउट्स रहता है कि कैसे गेट के साथ हम किसी PSUs में सेलेक्ट हो सकते हैं, क्या प्रोसीजर होता है, गेट के बाद कब फॉर्म्स भरने होते हैं PSU के. तो इस लेक्चर सीरीज़ में हम टोटल पूरी बात करेंगे कि कैसे हम गेट की प्रिपरेशन के साथ हम IOCL में ग्रेड ए ऑफिसर की पोस्ट पे सेलेक्ट हो सकते हैं. सो ये जो पूरी सीरीज़ रहेगी वीडियोस की, इसको हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, जिसमें हम फर्स्ट पार्ट में हम सारी बैकग्राउंड डिटेल्स को कवर करेंगे. जैसे कई बार बहुत डाउट्स रहते हैं कि फॉर्म कब आता है, कब नहीं आता है, पता नहीं चलता है और कई लोग मिस कर देते हैं फॉर्म्स को. तो हम लोग बात करेंगे कि कब फॉर्म्स आते हैं, गेट एग्ज़ाम से पहले आते हैं, बाद में आते हैं, क्या उनकी डेडलाइंस होती हैं, उन सारी चीज़ों की बात करेंगे, क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत होती है फॉर्म्स को फिल करने के लिए. उसके बाद क्या सिलेक्शन क्राइटेरिया होता है, क्या आपकी क्या क्या प्रोसेस होता है, रिटन एग्ज़ाम होता है कि नहीं होता है, डायरेक्टली गेट बेसिस पे डायरेक्टली हो जाता है, इंटरव्यू होता है, ग्रुप डिस्कशन होता है, मतलब क्या क्या चीज़ें होती हैं, ये सारी चीज़ें हम सिलेक्शन क्राइटेरिया में बात करेंगे. उसके बाद जो मेरा इंटरव्यू एक्सपीरियंस रहा है, बिकॉज आई हैव गॉट सेलेक्टेड इन IOCL फॉर ग्रेड ए ऑफिसर, तो जो मेरा एक्सपीरियंस रहा इंटरव्यू एक्सपीरियंस, वो मैं शेयर करूँगा, और क्या रीज़न था क्यों मैं IOCL ज्वाइन कर रहा हूँ, वो मैं अपना एक्सपीरियंस आपको शेयर करूँगा. तो जो हम सेकेंड वीडियो में अपनी बात करेंगे कि IOCL में सिलेक्शन के बाद क्या क्या प्रोसीजर हमें फॉलो करना होता है, जैसे सिलेक्शन के बाद जितने भी हमारे एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स होते हैं उनका वेरिफिकेशन होना होता है, जो भी उनके नॉर्म्स पॉलिसीज़ होते हैं उनके रिलेटेड डॉक्यूमेंट जमा करने होते हैं, जैसे बॉन्ड्स और सारी चीज़ें, उनके बारे में हम डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में बात करेंगे. ट्रेनिंग के शेड्यूल क्या होते हैं उसके बारे में बात करेंगे, ट्रेनिंग कहाँ पर होती है, हमारी जॉब की पोस्टिंग कहाँ पर रहेगी, वो सारी डिटेल्स की बात करेंगे. कई लोग को लोकेशंस का बहुत इशू होता है कि कहाँ पर जॉब मिलेगी, क्या नहीं होगी, तो पहले से थोड़ा सा आपको मतलब एक इंफॉर्मेशन होगी कि कहां कहां पे जॉब लोकेशंस हो सकती है. बहुत लोग को ये बहुत फैसिनेटिंग लगता है, सैलरी क्या होगी, पे स्केल क्या होगा. सो वी विल गो थ्रू ऑल इट कि क्या क्या अलाउंसेस मिलते हैं IOCL में और क्या क्या जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज होंगी. ये बहुत ज़्यादा डाउट होता है कंप्यूटर साइंस इंजीनियर्स को कि पब्लिक सेक्टर में कंप्यूटर साइंस इंजीनियर को क्या जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलती है, मतलब वो मेनली किन किन इश्यूज़ पे वर्क करते हैं. ऐसा तो नहीं होता कि ब्रांच कंप्यूटर साइंस है लेकिन कुछ भी काम कर रहे हैं, तो सारी डिटेल्स हम इसमें कवर करेंगे क्या क्या जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है. और थर्ड पार्ट में हम ये देखेंगे कि कैसे हमें यहाँ तक पहुँचना है, मीन्स हाउ टू प्रिपेयर. और ये प्रिपरेशन जर्नी हमारी शुरू होती है जब हम गेट की प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं, और उसमें हम देखते हैं हमें कौन कौन से बुक्स फॉलो करनी है, हमारी रिवीजन स्ट्रेटजी अच्छी होनी चाहिए, तो उसके लिए हमारे पास प्रॉपर प्लान्स होने चाहिए, जो भी मॉक टेस्ट है उनको अच्छे से सॉल्व करना चाहिए, कौन कौन से और भी रिसोर्सेज को फॉलो करने हैं. और बहुत बड़ा डाउट होता है कि कोचिंग करनी है नहीं करनी है, सेल्फ स्टडी पे कैसे फोकस करना है, तो ये सारे डाउट्स हम अपने लास्ट पार्ट, जो हमारी लास्ट वीडियो रहेगी, हम उसमें कवर करेंगे. सो आज जो सबसे पहला पार्ट है हमारी, जो बैकग्राउंड डिटेल्स है IOCL के बारे में, बैकग्राउंड डिटेल्स, क्या सिलेक्शन क्राइटेरिया है, हम उसको कवर करेंगे. सो लेट्स फोकस ऑन ऑल द बैकग्राउंड डिटेल्स. एज वी ऑल हम सब जानते हैं कि जो हमारा जो गेट का एग्ज़ाम होता है वो फरवरी में होता है, और फरवरी के बाद हमारा रिजल्ट मार्च में आता है. जैसे इस साल 16th of March को इस बार हमारा रिजल्ट आया था, और उसके बाद अप्रैल में काउंसलिंग होती है, जिसके बाद आपको कॉलेज अलॉट होने होते हैं. वहाँ पे लोगों को डाउट आता है कि एमटेक करना है कि PSU में जाना है, बहुत सारे डाउट्स होते हैं. तो 16 मार्च को आपका रिजल्ट आ जाता है. इस साल क्या हुआ था कि IOCL का फॉर्म थोड़ा लेट आया था, और जो लास्ट डेट थी इस बार वो थी 27th of March 2019. ये इस बार लास्ट डेट थी IOCL का फॉर्म सबमिट करने की. तो सबसे पहला है कि आपको गेट का फॉर्म फिल करना है, सबसे बेसिक रिक्वायरमेंट है इस पोस्ट के लिए कि आपका गेट का फॉर्म फिल करना है, उसका एग्ज़ाम देना है. उसके बाद आपको IOCL का अलग से फॉर्म आएगा, आपको IOCL का अलग से फॉर्म भरना है. और जैसे इस बार उसकी लास्ट डेट 27 मार्च थी, कभी कभी हो सकता है वो गेट से पहले भी आ जाए, कभी लेट हो जाता है, तो वो आपको कॉन्टीन्यूअसली चेक करना रहता है. मतलब जब भी आप गेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं आपको कॉन्टीन्यूअसली चेक करना रह रहा है कि फॉर्म कब आ रहा है, आपको सारी डिटेल्स रखनी है, आपको टाइमली इस फॉर्म को फिल करना है. खाली ऐसा नहीं कि आपने गेट का फॉर्म फिल कर दिया तो हो जाएगा, आपको इसका फॉर्म भी अलग से फिल करना है. अब इस फॉर्म को, अब जैसे ही आपने ये फॉर्म फिल कर दिया, अब हुआ क्या था, जैसे जब फॉर्म फिल कर दिया इसके बाद अप्रैल में आपका काउंसलिंग आ जाता है कि आपको एमटेक के कॉलेजेस अलॉट होने लगते हैं.
जैसे क्योंकि मेरी रैंक इस बार ऑल इंडिया रैंक 60 थी, कॉल फ्रॉम ISC बैंगलोर एंड ऑल्सो फ्रॉम IIT बॉम्बे, बट आई हैव गिवन प्रेफरेंस टू IIT बॉम्बे एंड आई हैव ज्वाइंड IIT बॉम्बे ओवर ISC बैंगलोर. अच्छा, ऐसा कुछ नहीं है कि दोनों कॉलेजेस में कोई प्रॉब्लम है, दोनों कॉलेजेस बहुत अच्छे हैं, अपनी प्रेफरेंस होती है. सो आई हैव प्रेफरेंस ओवर ISC बैंगलोर, आई हैव गिवन प्रेफरेंस टू IIT बॉम्बे ओवर ISC बैंगलोर. मैं वहाँ पे एक मंथ रहा था, मतलब बॉम्बे में जो क्लासेस शुरू हुई थी अप्रॉक्स 21 जुलाई को क्लासेस शुरू हुई थी, और कुछ टाइम बाद आफ्टर आई थिंक 20 to 25 days IOCL का रिजल्ट आया. उसमें रिजल्ट में क्या रहता है, आपका जो स्कोर है, जो गेट का स्कोर है, वो आप IOCL के फॉर्म में फिल करते हो. मतलब या तो आप, अगर फॉर्म पहले आ गया है तो आप अपना रोल नंबर मेंशन कर देते हो, वो डायरेक्टली आपका रिजल्ट देख लेंगे. अगर फॉर्म बाद में आया है तो आप खुद अपना स्कोर उस पर मेंशन करते हो. तो उसके बेसिस पे वो शॉर्टलिस्ट करते हैं अपनी सीट्स के बेसिस पे. सपोज़ अगर 10 सीट्स हैं, इस बार 10 वैकेंसीज हैं, तो 1:5 के रेशियो में बच्चों को कॉल किया जाता है. अगर 10 सीट्स हैं तो 50 बच्चों को कॉल किया जाएगा जिन्होंने भी अप्लाई किया होगा. जैसे इस साल आई थिंक सो 126 या 127 रैंक तक कॉल किया गया था, बिकॉज इस साल सीट्स कम थी. लास्ट ईयर आई थिंक सो 200 तक कॉल गई थी रैंक तक, लेकिन इस साल 126 या 127 तक ही कॉल गई थी. सो उसके बेसिस पे शॉर्ट लिस्टिंग होती है और एक लिस्ट आती है, उसमें मेंशन रहता है कि कौन कौन से बच्चों का सिलेक्शन हुआ है. पहले लिस्ट आती थी, इस बार क्या हुआ था, आपको इंडिविजुअली लॉगिन करके अपना स्टेटस देखना रहता है कि आपका सिलेक्शन हुआ है कि नहीं हुआ है. ये पहला स्टेप है जब आपकी शॉर्ट लिस्टिंग होती है ऑन द बेसिस ऑफ गेट स्कोर. ये सबसे पहला स्टेप है. उसके बाद जब आपकी शॉर्ट लिस्टिंग हो जाती है, जो अब अगला प्रोसीजर आता है, अब जो हमारा मेन सिलेक्शन क्राइटेरिया, पहला तो हो गया गेट का स्कोर. ये जो गेट स्कोर है ये है 85%. हमारा सेकेंड पार्ट आता है ग्रुप डिस्कशन एंड ग्रुप टास्क, ये होता है 5%. और थर्ड पार्ट होता है इंटरव्यू होता है हमारा 10%. अच्छा, बहुत लोग ये भी सोचते हैं कि गेट स्कोर 85% है, सब तो यही है, फिर इस चीज़ों का करने का मतलब क्या है. ऐसा होता नहीं है. आप नॉर्मली मार्क्स देखोगे तो आपको ऐसा लगेगा, लेकिन जो टॉप के रैंकर्स होते हैं उनके गेट स्कोर में ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है. उसके बाद जब आप उसको 0.85 से मल्टीप्लाई करते हो ना, तो बहुत कम वैल्यू होती है. अगर मान लीजिए आपको 2-3 मार्क्स का डिफरेंस है, तो आप वो इंटरव्यू में कवर कर सकते हो. क्योंकि इस बार भी हुआ था, मेरे कुछ फ्रेंड्स थे, एक फ्रेंड जिसकी 45 रैंक थी, और भी मेरे एक दो फ्रेंड्स की कम रैंक थी, लेकिन उनका सिलेक्शन नहीं हुआ था. तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो गेट स्कोर के बेसिस पे है. वो ये पूरा एक क्राइटेरिया है जो आपको फुलफिल करना ही करना है. आप ऐसा नहीं सोच सकते कि आपका गेट स्कोर बहुत अच्छा है तो आपका पक्का ही हो जाएगा. आपको GDO GT भी अच्छा देना है, आपको अपना इंटरव्यू भी अच्छा देना है. तो सबसे पहला जो इनका सिलेक्शन क्राइटेरिया होता है, वो होता है गेट स्कोर. गेट स्कोर 85% वो लेते हैं, और पहला जो लिस्ट निकलती है वो इस गेट स्कोर के बेसिस पे कि किन किन बच्चों का हुआ है. फिर जैसे फिर अगला क्राइटेरिया आता है ग्रुप डिस्कशन और ग्रुप टास्क का. जैसे इस बार जो मेरा सेंटर पढ़ा था वो यहीं दिल, मतलब यहाँ गुड़गांव में पढ़ा था, IIPM में. वहाँ पे हमारा ग्रुप डिस्कशन और ग्रुप टास्क और इंटरव्यू एक ही दिन होना था. तो ये बेसिक होता है, मतलब नॉर्मल, आपको थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए जो भी वो टॉपिक दे रहे. सर जो टॉपिक होता है एकदम नॉर्मल होता है, कोई ऐसा नहीं कि बहुत ऐसा टॉपिक दे देंगे जिसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन ना हो. नॉर्मल टॉपिक देते हैं. जैसे जो इस बार हमारा जो ग्रुप डिस्कशन का टॉपिक था, उन्होंने दो टॉपिक्स दिए हुए थे. एक टॉपिक था कि आजकल क्या होता है, जो पेरेंट्स रहते हैं वो फ़ोन्स का यूज़ करते हैं, अपने जो छोटे बच्चे होते हैं अगर वो खाना नहीं खाते हैं तो फ़ोन्स में वीडियोस चला देते हैं ताकि बच्चे खाना खा लें. तो उससे क्या होता है, उनके आइज पे बुरा इफेक्ट पड़ता है. तो क्या करना चाहिए कि जो पेरेंट्स हैं उनको ट्रेन करने के लिए हमें क्या करना चाहिए. एक टॉपिक हमारा ये था ग्रुप डिस्कशन पे, और दूसरा टॉपिक ये था कि आजकल जो भी इलेक्शंस होते हैं, इलेक्शंस को फेयर करना, क्योंकि कई बार क्या होता है, जो वोट देने जाते हैं उनका कोई क्राइटेरिया नहीं होता है. वो बस किसी को किसी बेसिस पे जानते हैं, या कभी कभी जो पॉलिटिकल पार्टीज़ होती हैं वो उनको किसी चीज़ का लालच देती हैं, पैसे का या किसी सामान का, तो उसके बेसिस पे वो अपना वोट कास्ट कर देते हैं. तो कैसे इस जो पूरा इलेक्शन प्रोसीजर है इसको कैसे फेयर बनाएं, उसकी ट्रेनिंग के लिए क्या करें, ये दो टॉपिक दिए गए थे ग्रुप डिस्कशन पे. और ये कहा जाता है कि जो पूरा, जैसे 7-8 बच्चों को एक ग्रुप में बुलाया जाता है, और उन वो लोग चूज़ कर सकते हैं कि इन दो में से आपको कौन सा टॉपिक लेना है. तो जैसे हम लोग ने पॉलिटिकल पार्टीज़ का टॉपिक लिया था कि कैसे हम लोग लोगों को ट्रेन कर सकते हैं. तो ये नॉर्मली 2.5 मार्क्स का होता है ग्रुप डिस्कशन, 2.5 मार्क्स का, और ग्रुप टास्क 2.5, मतलब 2.5% ही 2.5% ही है. सो ये नॉर्मल टॉपिक है. आपको बस कोशिश करना है कि अगर पॉसिबल हो, अगर आपको अच्छी खासी इन्फॉर्मेशन हो, तो आप शुरू करो. जब भी ग्रुप डिस्कशन हो आप शुरुआत करो, कोशिश करो सबको समराइज़ करके उसको एंड करो.
और वही चीज़ ग्रुप टास्क होता है, जैसे ग्रुप टास्क इस बार दिया गया था कि जो इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट है, ई वेस्ट है, उसको हम कैसे मैनेज कर सकते हैं, तो क्या क्या स्टेप्स हम फॉलो कर सकते हैं। तो उसमें भी वही है, आप कुछ अच्छे पॉइंट्स अपनी तरफ से रखो, और सबसे अच्छे सबसे बड़ी बात यह कि जब भी कोई ग्रुप में पॉइंट रख रहा है, आपको उसकी बात को सुनना भी है। खाली ये नहीं है कि आपको अपनी ही बात बोलनी है, आपको उसकी बात सुनना भी है, उसके बेसिस पे अपना पॉइंट्स रखना है। अगर वो सही बात कर रहे हैं तो आपको उनको प्रमोट भी करना है। मतलब मेन ग्रुप डिस्कशन और ग्रुप टास्क का मतलब यही होता है कि आप कैसे ग्रुप में सबको सबकी बात को भी वैल्यू दे रहे हैं और साथ में अपनी वैल्यू रख भी रहे हैं। तो मेन 5% ये ग्रुप डिस्कशन और ग्रुप टास्क का आता है। उसके बाद हमारा जो मेन पार्ट आता है वो आता है इंटरव्यू का। इंटरव्यू में आई थिंक सो 6 to 7 पैनल्स थे, 6 to 7 लोग पर्सन थे जो कि सब डायरेक्टर्स होते हैं, मेनली कुछ HR रहते हैं, तो वो जज करते हैं आप, वो हर चीज़ आपको देख रहे होते हैं, आप क्या बोल रहे हो, आप आपके एक्सप्रेशंस का, वो हर चीज़ देख रहे होते हैं। कुछ लोग आपके टेक्निकल क्वेश्चंस, आप टेक्निकल क्वेश्चंस के जवाब कैसे दे रहे हो, वो हर चीज़ नोटिस कर रहे होते हैं उन लोग। होता क्या है, जब भी इंटरव्यू होता है तो उससे पहले एक फॉर्म फिल करवाते हैं कि आपको क्या क्या इंटरेस्ट है। जब मुझसे पूछा गया था तो मेनली जो मैंने इंटरेस्ट बताया था वो मैंने बताया था डाटाबेस पे, DBMS और नेटवर्क्स पे, कि बहुत दो कोर टॉपिक है जो कि मेरे स्ट्रांग थे, तो मैंने इन दो टॉपिक्स पे फोकस किया था। मैंने कहा था ये मेरे दो टॉपिक स्ट्रांग है, तो मेरे लिए इंटरव्यू में पूछते हैं और वो उन टॉपिक्स को ही मेंशन करके क्वेश्चन पूछते हैं अक्सर। वो कुछ और भी पूछ सकते हैं, कोई ऐसा नहीं है कि इसी पे पूछेंगे, कई बार वो और चीज़ भी पूछ लेते हैं, लेकिन कई बार वो जो टॉपिक्स आप बताते हो उन पे ही क्वेश्चन पूछते हैं, फिर पुटअप करते हैं। तो ऐसे ही जैसे डाटाबेस में मुझसे इस बार पूछा गया था NoSQL क्या होता है, वो डिपेंड करता है, कुछ भी पूछ सकते हैं। मुझसे पूछा था NoSQL क्या होता है, बाकी नेटवर्क्स में अलग अलग टोपोलॉजी के बेसिस पे क्वेश्चन पूछे गए थे, राउटर्स के बेसिस पे क्वेश्चन पूछे गए थे, IP config पूछा गया था। तो ऐसे कई सारे क्वेश्चन बनते हैं मुझसे, मैंने टॉपिक ये दो बोले थे लेकिन मुझसे एल्गोरिथम्स पे क्वेश्चन पूछे गए थे, बैक ट्रैकिंग पे क्वेश्चन पूछा गया था। ये सब थोड़ा टेक्निकल क्वेश्चन पूछे गए। इसके अलावा वो जनरल आपकी को करिकुलर एक्टिविटीज़ भी देखते हैं कि आप कुछ और करते हो कि नहीं करते हो। मीन्स आपने, चलिए आपने टेक्निकल नॉलेज तो गेन की, तो आप और क्या करते हो? तो जैसे मैंने बोला था कि मैं चेस खेलता हूँ, तो वो उससे रिलेटेड पूछ रहे थे कि इस समय कौन मतलब पहली रैंक पे, मैग्नस कार्लसन को आप जानते हो कि नहीं जानते हो। तो वो आपको देखते कि आप जो को करिकुलर एक्टिविटी फॉलो कर रहे हो आपको उसके बारे में कितनी इन्फॉर्मेशन है। तो आप जब भी जो भी बोल रहे हो आप पूरी कोशिश करो कि आपको उस चीज़ की इन्फॉर्मेशन हो। तो मेनली ही रहता है कि आपका गेट स्कोर के बेसिस पे जो 85% था इसके बेसिस पे एक लिस्ट आती है, फिर उसके बाद आपका ये 15% का एक ही दिन में ये टेस्ट ये अलग से रहता है, और फिर उसके बाद कंबाइन होकर आपका एक फाइनल रिजल्ट आता है। उसमें ये रहता है कि किसका फाइनल सिलेक्शन हुआ कि नहीं हुआ। ये पूरा कंप्लीट प्रोसेस होता है IOCL में सिलेक्शन का। अब कुछ लोग को ये डाउट आता है कि वाई IOCL, क्यों IOCL ज्वाइन करना है ओवर एनी अदर PSU और MTech। सो जनरली स्पीकिंग कोई चीज़ ऐसा नहीं कि कोई बुरा है, मीन्स MTech अच्छा है, ONG मतलब कोई और भी अगर PSU है वो भी अच्छी है। ये डिपेंड करता है पर्सनल चॉइस पे, और जैसे जो आपका MTech है, आप पर्सनल प्रेफरेंस है, कई लोग MTech को प्रेफर करते हैं, कई लोग पब्लिक सेक्टर को प्रेफर करते हैं। आपको देखना है कि आप किसको प्रेफर कर रहे हो, आपकी चॉइस क्या है। अगर आपको पब्लिक सेक्टर अच्छा लगता है, जैसे जब मैंने गेट की प्रिपरेशन शुरू की थी मुझे पब्लिक सेक्टर में ही मन था, मैं IIT बॉम्बे गया लेकिन जैसे रिजल्ट आया वहाँ भी बहुत अच्छा माहौल था, एक मंथ अच्छा एंजॉय किया मैंने, लेकिन मेरा इंटरेस्ट क्योंकि इधर था तो फिर मैं वापस चला आया वहाँ से। सो आपको देखना है कि आपका इंटरेस्ट कहाँ है। अगर आपका इंटरेस्ट MTech में है तो आपको MTech में जाना है, लेकिन अगर आपका इंटरेस्ट पब्लिक सेक्टर में है तो IOCL आपके लिए एक बहुत अच्छी चॉइस है, क्योंकि एज ए कंप्यूटर साइंस इंजीनियर जो आपको वर्क मिलता है आपकी फील्ड का मिलता है, आप अपनी फील्ड पे वर्क करते हो, आपकी जो जॉब लोकेशंस होती हैं वो बहुत अच्छी होती हैं। सो ऐसे कई सारे फैक्टर्स हैं जो कि कंप्लीट प्रिफर करते हैं कि क्यों IOCL ज्वाइन करना है हमें।